1500 स्टार्टिंग है। अच्छा 1500, देख सकते हो कुछ इस तरह से है ये साइकिल, कितनी तगड़ी लग रही है, कितनी ऑसम साइकिल लग रही है। टायर चेक करो यार, बहुत तगड़े वाले का टायर है इसके। ठीक है, फ्रेम चेक करो यार, कितना प्यारा कितना ऑसम फ्रेम है इसके अंदर डाला हुआ है, कि ये सेंटर में हैंडल या नहीं है इसके लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सो हेलो सब गाइस, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छे तो भगवान आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दे यार। आज की वीडियो आपकी डिमांड पे पार्ट टू होने वाली है साइकिल्स के ऊपर। इसमें आपको फैट टायर दिखाऊंगा और फैट टायर से हटके भी और भी साइकिल्स होने वाली है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ गाइस, इस पर लाइक एम रखता हूँ मैं फर्स्ट टाइम, कि 50 लाइक्स करवा दो। अगर 50 लाइक्स करवा देते हो तो इसका पार्ट थ्री भी लेके आऊँगा, जिसमें कि आपको फैट टायर और एमटीवी दिखाऊंगा इस बारी। पार्ट थर्ड में ना मैं आपको एमटीवी साइकिल्स दिखा दूंगा, अच्छी अच्छी गियर्स वाली, नॉन गियर्स वाली, डिस्क ब्रेक वाली, वो सब दिखाऊंगा कुछ अलग ही टाइप की। ठीक है, अगर आप 50 लाइक्स करवा देते हो तो। फिलहाल यार अभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड में मैंने नंबर एड्रेस सब कुछ दिया। और हाँ यार, जो वीडियो में प्राइस बताते हैं ना, वो प्राइस हमेशा नहीं रहता है। आप बार्गेन करेंगे ना ऊपर नीचे, वो कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, बार्गेन जितना अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा रेट कम हो जाएगा। एंड चलते यार वीडियो शूट करने, तब मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। पार्ट टू दिखाओ तो मैं पार्ट टू के लिए आ चुका हूँ और आपको बहुत सारी साइकिल्स दिखाने वाला हूँ अलग अलग टाइप की। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा वैसी साइकिल्स होगी, बहुत सारी ऑसम साइकिल होगी। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है, नंबर एड्रेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आपको पार्ट टू दिखाते हैं। ये वाली देख सकते हो आप, फ्रेम ये भी अलॉय व्हील वाली है। वाह यार, ये भी अलॉय व्हील वाली है, इसका रिम्स चेक करो, इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। आगे डिस्क मिल जाएगा इसमें एंड पीछे भी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। इसके टायर भी एमटीवी है पूरी, तीन इंची टायर होंगे इसमें। इसके सीट कवर भी काफ़ी कंफर्टेबल है भाई, बहुत नरम का। और इसके ये फ्रेम भी बहुत अच्छा है, एलुमिनियम का टोटल फ्रेम एलुमिनियम का। अच्छा, इसके अंदर अंदर से वायरिंग की गई है, देख सकते हो भाई। अच्छा, यहाँ से वायरिंग है इसकी। अच्छा, ये बोतल स्टैंड के लिए है। हाँ, ये बोतल स्टैंड के लिए मिल जाता है। सस्पेंशन भी आपको मिल जाएंगे इसमें आगे भी, काफ़ी अच्छी साइकिल है। इसका क्या प्राइस रेंज आता होगा? 11500 तक चल जाता है। और गाइस, नॉइस के लिए मैं पहली सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि देख सकते हो आप किस तरीके से चलता हुआ रोड है, इस वजह से गाड़ी आती जाती रहती है। बाकी आपको और साइकिल्स दिखाते हैं दूसरी, ये वाली दिखा दो भैया, ये मोटे टायर वाली, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। वाह यार, इसमें तो गियर वगैरह भी कलर वाइज भी बहुत अच्छी लग रही है। चलो आपको दिखा देते हैं, ये देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है, काफ़ी सही फैट टायर है इसमें। और इसमें पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, गियर्स वगैरह भी मिल जाते हैं इसमें, और इसमें आगे भी डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। इसके सस्पेंशन मिल जाएंगे आपको आगे, देख सकते हो कुछ इस तरह से है ये साइकिल, कितनी तगड़ी लग रही है, कितनी ऑसम साइकिल लग रही है। ओके, इसका क्या प्राइस रहता होगा भैया? 14,500। इसमें मतलब कि गियर्स वगैरह कितने होते होंगे? 21 गियर्स मिल जाते हैं। ओके, देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके गियर वगैरह मिल जाएंगे आपको, फ्रंट सस्पेंशन मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इसकी। ये साइकिल बहुत हैवी साइकिल लग रही है, इसके फैट टायर चेक करो यार, बहुत तगड़े वाले फैट टायर है इसके। ठीक है, दूसरी वाली दिखा दो, वो पतले टायरों वाली रखी है गाइस, जो देख सकते हो फैट टायर भी आप बोल रहे थे, फैट टायर वो भी रही, काफ़ी सारी मिल जाएगी। ये देखो यार, एकदम ये तो रोड बाइक लग रही है। वाह यार, ये रोड बाइक है ना भैया? हाँ, ये तो रोड बाइक है, कितने पतले इसके टायर हैं, इसका फ्रेम भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये मतलब ये निकालने वाला है। अच्छा, और ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, इसके मडगार्ड वगैरह काफ़ी अच्छे से, मतलब डिज़ाइन इसका काफ़ी प्यारा है और काफ़ी अच्छी साइकिल है। पतली रोड बाइक, रोड बाइक आप जानते हो पतली होती है और काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ये तेज़ चलाने के लिए होती है। जो लोग स्पीड वगैरह के शौकीन होते हैं, इन्हें स्पीड चलानी होती है रोड बाइक टाइप, तो आप इस पर इसके लिए जा सकते हो। इसका क्या प्राइस रहता होगा भैया? 6,500 की साइकिल, हीरो की मिल जाएगी आपको 6,500 की। ओके, और भैया ये तो हो गई ये वाली, और अब मेरे को गियर वाली साइकिल्स दिखा दो, गियर वाली और नॉन गियर्स वाली। ये वाली साइकिल आप चेक करो, ये फायरफॉक्स की है। अच्छा, फायरफॉक्स की मिल जाएगी इसमें, और इसमें गियर्स वगैरह और डिस्क ब्रेक वगैरह मिल जाएंगे आपको, देख सकते हो।
इसके अंदर आगे डिस्क ब्रेक मिल जाएगा आपको, पीछे डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे और गियर्स वगैरह मिल जाएंगे। इसको फ्रेम चेक करो यार, कितना प्यारा कितना ऑसम फ्रेम है इसके अंदर। ओके, इसके गियर्स वगैरह भी देखो, कुछ अलग ही टाइप के गियर्स वगैरह। अच्छा, इसमें गियर्स वगैरह किस तरीके से चेंज करते हैं, नीचे की साइड से? अच्छा, इधर दिया हुआ है। ओके, देख सकते हो कुछ इस तरीके से गियर्स चेंज होते हैं, और मतलब डिस्प्ले टाइप का दे रखा है इसमें गियर्स के लिए, देख सकते हो आप। और ये भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें ये भी डाला हुआ है कि ये सेंटर में है हैंडल या नहीं है, इसके लिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसकी ग्रिपिंग और ये सब बहुत सही लग रहा है यार, बहुत ऑसम साइकिल है। क्या प्राइस रहता होगा भैया इसका? 26,000 की है सर। 26,000 की पड़ जाती है साइकिल। ओके, इसमें गियर्स वगैरह कितने हैं? 24 गियर्स मिल जाते हैं। ओके, इससे थोड़ी दूसरी वाली दिखा दीजिए, वो भी देख सकते हो गाइस, काफ़ी सारी मिल जाएगी। फायर फॉक्स की कुछ इस टाइप की, ये देखो कुछ हैवी फ्रेम में भी मिल जाएगी आपको, हैवी में चाहिए तो ये देख सकते हो आप। उस तरफ से रोशनी आ रही है, इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा हो, ये देख सकते हो कितना हैवी फ्रेम है इसका। ये देखो कितने हैवी फ्रेम में मिल जाएगी, इसमें आपको आगे डिस्क मिल जाएगा, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, गियर्स वगैरह मिल जाएंगे। और भैया इसमें गियर्स वगैरह कितने रहते होंगे? 21 गियर्स मिलते हैं। इसकी ग्रिपिंग और ये इसका टायर साइज़ कितना रहता होगा इसे? 29 रहता है टायर साइज इसमें। ओके, 29 इंच इसका टायर साइज रहता है। इसका प्राइस कितना जाता होगा भैया? 22,200 रुपये। और भैया ये बता दो, ये साइकिल्स में वारंटी वगैरह कितने टाइम की रहती है? फ्रेम की होती है सर लाइफ टाइम। फ्रेम की लाइफ टाइम की वारंटी मिल रही है आपको? और मतलब EMI का भी सिस्टम वगैरह कुछ है आपके पास? EMI का भी सिस्टम। ओके, वो बता दीजिए लोगों को, मतलब कितने तक की साइकिल लेंगे तो कितने तक का EMI? 7,000 प्लस की कोई भी साइकिल आप ले सकते हो, EMI बन जाएगी इसकी। ओके, देख सकते हो 7,000 प्लस में आप कोई भी साइकिल लेते हो तो उसको EMI आप करवा सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी भैया के पास काफ़ी मॉडल्स हैं, दिखा देते हैं आपको। ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ये, देखो इसका कलर डिज़ाइन शाइन कितनी कर रही है साइकिल, बहुत अच्छी लग रही है। इसमें आपको आगे सस्पेंशन मिल जाएंगे, डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और टायर आप चेंज भी कर सकते हो इसको खोल के ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देख सकते हो पीछे गियर मिल जाएंगे और डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगा इसमें, इसमें आपको मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के गियर मिल जाते हैं। अच्छा, क्या कितने गियर्स होते हैं इसमें? 21 गियर्स होते हैं। इसका प्राइस कितना चले जाता होगा? 23,700। ठीक है गाइस, करेक्शन है, 23,700 है, ठीक है। और ये देख सकते हो इसका प्रॉपर अंदर बॉडी के अंदर से वायरिंग की गई है ना, बॉडी के अंदर से वायरिंग। ओके, और इससे दूसरी वाली दिखा दीजिए, सिंगल स्पीड। वाह यार, ये कितनी अच्छी रोड बाइक लग रही है, कितने पतले टायर हैं इसके। ये देखो यार, इसके टायर का साइज़ कितना होगा? 28 चले जाता है। ओके, कितनी अच्छी लग रही है, इसका ग्रे कलर है, ड्यूल टोन में है, मतलब कि ये पीछे लाइट ग्रे मिल जाएगा आपको, ऐसे ही आगे जाते हो तो यहाँ ग्रे मिल जाएगा डार्क में आपको। और इसमें देख सकते हो आप, ये खोल के टायर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह आती है, पंचर वगैरह होता है तो टायर चेंज कर सकते हो। और ये इसमें ब्रेक्स मिल जाएंगे आपको, इसमें पावर ब्रेक है। हाँ, ओके, पावर ब्रेक। इसका प्राइस कितना रहता होगा? 14,500। ओके, 14,500 में आपको मिल जाएगी। और देख सकते हो गाइस, बहुत सारी साइकिल्स हैं आपको। और ये ड्यूल टोन में एक और आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे स्काई ब्लू आया हुआ है, यहाँ पे स्काई ब्लू है और नीचे आते हैं यहाँ पे ड्यूल टोन में आपको ऑरेंज मिल जाएगा। इसकी रिसाइज कर सकते हो आप इसको ईजिली आप खुद से। और इसमें आपको गियर्स मिल जाएंगे, डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगी, इसमें भी कुछ डिस्प्ले टाइप के गियर्स चेंज करने वाला है, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का। और इसमें भी वही जो मैंने साइकिल दिखाया आपको उसी टाइप की है, आगे भी गियर मिलेंगे। इसका क्या प्राइस रहता होगा? 23,700 प्राइस जाता है इसका। ऐसी काफ़ी सारी साइकिल्स है गाइस, देख सकते हो आप, ठीक है, कितनी अच्छी। और बच्चों की साइकिल्स वगैरह भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, रिक्शा टाइप भी मिल जाएगा आपको। और दिखाते हैं छोटे बच्चों की साइकिल में कुछ डेंजर, कुछ अच्छे बढ़िया से दिखा देता हूँ आपको, लुक्स वगैरह देखो, कुछ इस तरीके से बच्चों की साइकिल्स मिल जाएगी ऐसे। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है बच्चों की साइकिल, छोटे बच्चों की साइकिल से। अच्छा, छोटे बच्चों की साइकिल की स्टार्टिंग कितने से हो जाती है सर? ब्रांड में जाओगे 3500 रुपये स्टार्टिंग हो जाती है। ओके, और वैसे नॉन ब्रांड में 1500 रुपये स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा, 1500 से नॉन ब्रांड में स्टार्टिंग हो जाती है और ब्रांड में आपको 3500-4000 तक की मिल जाएगी ईजिली। ओके, और बच्चों में एक आपको सबसे बेहतरीन साइकिल दिखाता हूँ, ये वाली देखो यार कितनी अच्छी लग रही है। इसके टायर वगैरह देखो MTV टायर टाइप के लग रहे हैं, और इसमें आपको बीच में सस्पेंशन मिल जाएगा, इसमें गियर्स भी मिल जाएंगे और देख सकते हो कुछ इस टाइप वाले गियर मिल जाएंगे इसमें। और भैया इसका क्या प्राइस रहता होगा? 7,500 की देख सकते हो, इसमें सस्पेंशन आगे भी मिल जाएगा, बहुत ऑसम साइकिल लग रही है, सबसे अलग।
देख सकते हो अरे इतनी छोटी साइकिल्स में गियर वगैरह आ रहे हैं। इसकी सीट देखो कितनी अलग सी है, ये कितनी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सीट है इसकी, बहुत प्यारी है। ओके और देख सकते हो और भी बहुत कुछ मिल जाएगा बच्चों के लिए, रिक्शा चाहिए छोटी साइकिल चाहिए एंड ये वाली मिल जाएगी आपके बच्चों की साइकिल, बहुत सारी साइकिल्स मिल जाएगी। गाइस इनका कार्ड है और यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा A13 मेन रोड बुधविहार, बुधविहार के मेन रोड पर आपको मिल जाएगी साइकिल की शॉप, और ये नंबर है आप कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो और यहाँ पे विजिट कर सकते हो ईजिली। ठीक है बाकी मैं आपको घर चल के मिलता हूँ। तो यार देख ली वीडियो कैसी लगी, लाइक के सफ़ेद बटन को काला करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, इस पर 50 लाइक्स करवा देते हो तो मैं पार्ट थर्ड भी लेके आ जाऊँगा इसका। ठीक है और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बाकी पोल में डालता रहता हूँ आपके लिए तो उस पर वोट करके आप बता ही देते हो। और आपसे आपका कोई क्वेश्चन है मुझसे कुछ पूछना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसका यूज़र नेम है, आ जाओ फॉलो करो ना करो मैसेज DM कर देना। ठीक है एंड मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।